नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि योनो लाइट एसबीआई में फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि योनो लाइट में कौन कौन से फीचर हैं और उन फीचर का क्या काम है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे योनो लाइट एसबीआई को यूज कर सकते हैं और जो अच्छे अच्छे फीचर हैं, जो आपके काम के फीचर हैं, वो भी मैं आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप योनो लाइट एसबीआई को ओपन करेंगे तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर है योनो कैश विंडो। तो इस ऑप्शन का क्या काम है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास एटीएम है, अगर बाय चांस वो घर में भूल जाते हैं तो ये जो फीचर है आपको बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। सिर्फ आपको 6-6 नंबर 2 बार एटीएम में डालना है तो आपका पैसा जो है एटीएम से निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो आपको उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑप्शन का यह काम है, इस ऑप्शन का नाम है क्योर कैश विंड्रॉल। तो इस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास योनो लाइट एसबीआई है तो आप स्कैन करके सिर्फ ऐसे एटीएम में जाएंगे, वहाँ पे एक क्यूआर कोड होता है, तो आप अपने योनो लाइट एसबीआई को ओपन करेंगे तो आपको एक स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे स्कैन करके एटीएम से जो है आप मनी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका भी लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूपीआई ट्रांसफ़र, तो ये शायद आप लोग जानते ही होंगे यूपीआई ट्रांसफर, तो इसमें भी फैसिलिटी है, तो आप इस पर क्लिक करके जो है यूपीआई का सुविधा यहां पे ले सकते हैं और यहां पे अपना यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं आप किस आदमी को कितना पेमेंट किए। उसके बाद यहां पे मेक पेमेंट आप पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको अगर आप यूपीआई आईडी को बंद करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, वो भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस यहाँ से आप यूपीआई ट्रांसफ़र जो है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र एंड डोनेट, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको किसी को डोनेट करना है, चाहे आपके क्यूआर कोड उसके पास है तो आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर से भी कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से भी आप यहाँ पे किसी को पैसा डोनेट कर सकते हैं। तो इस फीचर का बस इतना ही काम है, तो आगे चलते हैं और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मिलेगा आपको व्यू बैलेंस का, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको व्यू बैलेंस दिखा दिया जाएगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद नीचे में आप देखेंगे माय अकाउंट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए अकाउंट समरी है, मिनी स्टेटमेंट है, एम पासबुक है, अगर आप पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे व्यू पासबुक और डाउनलोड स्टेटमेंट पर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है आपके पास जो भी अकाउंट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप किस डेट से किस डेट तक आप निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिनी स्टेट पे क्लिक करेंगे बैक आके, तो यहाँ पे आपका जो है पासबुक दिखा दिया जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, उसके बाद है फंड ट्रांसफ़र। तो फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये सुविधा आपको मिल जाता है, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर उसका अकाउंट जो है SBI का है तो आपको यहाँ पर आप उस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का अदर बैंक है जैसे कनरा हो गया, इलाहाबाद हो गया और भी बहुत सारे बैंक है, HDFC है, तो उस व्यक्ति का आप जो है अकाउंट नंबर जो है लेके उसके बाद IFSC कोड लेके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, क्विक ट्रांसफ़र भी ऑप्शन है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर चलिए बैंक हमको चलते हैं, उसके बाद ई डिपॉजिट है, तो ई डिपॉजिट में आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि हो गया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, कुछ अमाउंट को आप जो है फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है उस डिपॉजिट पे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वीडियो कि कैसे जो है फिक्स डिपॉजिट बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है और कैसे बंद भी किया जाता है। अगर इन फ्यूचर में आपको फिक्स डिपॉजिट आप किए हैं किसी कितना भी रुपया का, जैसे कि 10,000 5,000, तो आप कोई इमरजेंसी आ गया उसे बंद करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेकरिंग डिपॉजिट का है, सेम उसी तरीके से रेकरिंग डिपॉजिट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि आप मंथली कोई काम करते हैं, आपको सैलरी मिलता है, तो थोड़ा सा सैलरी में जैसे 2000-5000 रुपये आपको बच जाता है, तो वो रुपया जो है आप रेकरिंग डिपॉजिट लगा सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको एक ही बार लगाना पड़ता है, 10,000 लगाइए या 5,000 लगा, मन है जितना लगाने का आप लगा सकते हैं। तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर आप वीडियो बनाए, तो मैं वो भी आपको वीडियो बना के चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। बाद है बिल पेमेंट, यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू बिल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यू बिल पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बिलर लोकेशन, यानी कि आप बिहार से हैं कि असम से हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी, यानी कि आप जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के हम और बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप ऑफ रिचार्ज, यानी कि आप यहां पे रिचार्ज भी कर सकते हैं योनो लाइट SBI की मदद से। हालांकि आप योनो SBI में भी कर सकते हैं, दोनों ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेम ही एप्लीकेशन है, लेकिन ये टॉप लेवल पे है, योनो लाइट SBI और योनो SBI। तो यहां से आप DTH रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद है सर्विस, सर्विस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे योनो लाइट SBI में आपको क्या क्या सर्विस मिलता है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबमिट 50G 50H फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी नेम जो है ऑनलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस इंक्वायरी आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, मैनेज कार्ड। तो इस पे जो मैंने एक बेहतर ढंग से अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप जो है अपने कार्ड को मैनेज आप सिर्फ अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अमाउंट जैसे कि सपोज दैट 5,000 आप यहां पे कार्ड मैनेजमेंट में ऐड किए कि मेरा जो है 5,000 ही दिन का निकले, तो वो यहां पे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है योनो SBI में, अगर इसमें भी आप कहेंगे सेम ही प्रोसेस है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट का है, चेक बुक लेना हो तो रिक्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके चेक बुक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने चेक बुक अप्लाई नहीं किया है और योनो SBI में मैंने किया है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन मैं आपको बेहतरीन ऑप्शन बताऊँगा, जो कि आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह क्या आप ये ऑप्शन बताएं। उसके बाद यहाँ पे PPF अकाउंट, तो यहाँ पे आपको कई सारे PPF अकाउंट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको जो है एप्लीकेशन यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट ऑप्शन ये है, जैसे कि आप योनो लाइट SBI यूज करेंगे, तो ये जो है योनो SBI में फीचर आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको बताता हूँ, लाइट एप्लीकेशन में ही आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए माई का एक ऑप्शन है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक असिस्टेंट होता है, जो कि आप सिर्फ बोलेंगे तो आपका कितना अकाउंट में बैलेंस है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आप पासबुक जानना चाहते हैं इसकी मदद से, हालांकि आप मैंने आपको बता दिया कैसे पासबुक निकालना है, तो अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं सिर्फ बोल के, तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको कुछ ट्राई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं बैलेंस इंक्वायरी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है जितना भी अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। इसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी बनाया है, तो आप उसको जो है चैनल पे चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी योनो SBI के ऊपर बहुत सारा वीडियो है और योनो लाइट SBI के ऊपर भी बहुत सारा वीडियो है। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर आपको कोई भी मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।